आधार कार्ड अब सरकारी कामों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थानों में भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसे कई निर्देश दिए गए हैं जहां आधार कार्ड के बिना प्रोसेस पूरा नहीं होगा, इसलिए यदि अभी तक आधार नहीं बनवा सके तो अभी आवेदन करना बेहद आवश्यक है। सरकारी स्कीम्स के तहत बैंकों और पेट्रोलियम सब्सिडी में आधार को अनिवार्य किया जा चुका है। वर्तमान समय में देश भर में 92% आबादी के पास आधार कार्ड है। देश के किसी भी सिटीजन को पीएफ निकालने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो सरकार उसके सारे बेनिफिट को खत्म कर सकती है। हालांकि ईपीएफओ ने पेंशन अकाउंट से बिना आधार नंबर के पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। ईपीएफओ के मुताबिक जो भी सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से जमा राशि निकालना चाहते हैं उनके लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि पहले एक आदेश में कहा गया था। 10 साल से कम सर्विस वाले सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10C फॉर्म भरना होता है। जो सदस्य 10D फॉर्म के जरिए अपने पेंशन को फिक्स करना चाहते हैं उन्हें आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट स्लिप देना होगा। इससे पहले जनवरी में ईपीएफओ ने अपने विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स और अंशदाताओं के लिए आधार नंबर देना जरूरी किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। पहले से जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन्हें आगे से जारी रखने के लिए 30 जून तक आधार कार्ड के लिए इनरोल कराना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अब आधार कार्ड जरूरी होता जा रहा है। जेईई एग्जामिनेशन में आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर सकती है। एकेडमिक सेशन 2017-18 में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हाल ही में एनईटी का एग्जाम देने वालों के लिए टेस्ट में बैठने से पहले आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। फूड ग्रेन सब्सिडी के लिए आधार आईडी और उसका यूमेरिकल आईडी जरूरी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स ने सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स लेने वाले लोगों के लिए इस साल जून तक आधार इनरोल करने के लिए कहा है। एम्स में आधार कार्ड उपलब्ध कराने में मरीज को कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यदि आपके पास आधार नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को 100 रुपए देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपए है।